पर शिखर, मैं हूं वाहिद अली खान और अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अनुष्ठापन, जी हां, अनुष्ठापन वो है जिसने सलमान खान के घर में हुई फायरिंग के हथियार को सप्लाई किया था। जी हां, अनुष्ठापन ने सुसाइड कर लिया। अब तक की सबसे बड़ी खबर कि अनुष्ठापन ने सुसाइड किया। जब उसको अस्पताल में ले जाया गया तो वहां पर उसको डिक्लेयर डेड यानी कि उसने खुदकुशी कर ली। मैंने बात करना चाहिए क्राइम ब्रांच के लोगों से, लेकिन क्राइम ब्रांच का कोई भी अधिकारी फोन उठा नहीं रहा और बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पिछले रविवार ही ये जो पूरा केस है वो मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 से हटाकर मुंबई के एक एसीपी जो है वो क्रॉफर्ड मार्केट में जो मकोका के केसेस देखते हैं उनको ट्रांसफर कर दिया गया था। ये तमाम केस और तमाम दस्तावेज। सबसे बड़ी खबर, सलमान खान के घर में जो पिछले दिनों फायरिंग हुई थी, तकरीबन 10 राउंड फायर किए गए थे, उस फायरिंग के एक मुख्य आरोपी अनुष्ठापन ने सुसाइड कर लिया है। जी हां, ये बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं और लगातार हम इस खबर पर लगे रहेंगे। लेकिन अब तक की फिर एक खबर मैं आपसे शेयर कर लूं कि अनुष्ठापन जो कि सलमान खान मामले में मुख्य आरोपी था, जिसको गिरफ्तार किया गया था क्राइम ब्रांच द्वारा, इस पर आरोप था कि जो ये दो शूटर थे जिन्होंने 10 राउंड फायर किया था सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट बैंड्रा में, इन शूटरों को हथियार सप्लाई किया था। अनुष्ठापन अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे प्रश्न अभी भी खुलना बाकी है कि आखिरकार अनुष्ठापन ने सुसाइड क्यों किया, क्या वजह थी सुसाइड करने की। ये तमाम सवालों का जवाब हमें क्राइम ब्रांच या मुंबई पुलिस जरूर देगी। तब तक के लिए लगे रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। नमस्कार।